आज हम लोग राइड पे चलेंगे और बात करेंगे पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। तो जो बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं एडल्ट्स में, वो कौन से हैं? पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, कि आप कितने खुले विचारों वाले हैं, कितना आप ओपन हैं नए एक्सपीरियंसेस के लिए, या आप अपने कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें नए एक्सपीरियंसेस पसंद है, वो रूल्स से अलग हट के कुछ करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें रूल्स ज़्यादा पसंद हैं और उसमें उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक एक्सपीरियंस होता है। ये दो प्रकार की पर्सनैलिटी हुई, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस है या नहीं है। कॉन्शियसनेस दूसरा है पर्सनैलिटी ट्रेट। कॉन्शियसनेस को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप कितने प्री प्लान्ड हैं। अगर आप किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो आप कितना चीज़ों को प्री प्लान करके रखते हैं, आपकी सारी बुकिंग्स पहले से एडजस्टेड हैं, आपने एक लिस्ट बना रखी चीज़ों की, आप कुछ भी मिस नहीं करते हैं, तो आपका स्कोर हाई है। और अगर आप जो होगा देखा जाएगा टाइप के इंसान हैं, तो आपकी एक अलग पर्सनैलिटी है। तीसरा आता है एक्सट्रोवर्जन, कि आप लोगों के साथ एनर्जाइज होते हैं, लोगों के साथ मिलने में आपको अच्छा लगता है, आप ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं। दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो अकेले रह के ज़्यादा एनर्जाइज होते हैं, ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में फ़र्क ये है कि इंट्रोवर्ट बाहरी स्टिमुलस पे उतना डिपेंड नहीं करता अपनी खुशी, अपने रिलैक्सेशन के लिए, और एक्सट्रोवर्ट बाहरी स्टिमुलस से अपने आप को एनर्जाइज करता है, सोशलाइज करता है, लोगों से मिलता है। आपके ज़्यादा दोस्त हैं, आपको हर शाम बाहर जाना पसंद है, आपको लोगों से मिलना पसंद है, तो ये तीसरा पर्सनैलिटी ट्रेट है एक्सट्रोवर्जन। चौथा है एग्रीबिलिटी, ये भी एक सोशल ट्रेट है कि जब आप अपने दोस्तों के बीच में कितना आप एग्री होते हैं, कितना आप एग्रीबल इंसान हैं, या कितना आप सस्पिशियस हैं, कितना आप आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, कितना आप तर्क करते हैं कि नहीं तुम्हारा ये विचार सही है नहीं है। तो अगर आप एग्रीबल हैं, आपके ज़्यादा दोस्त होंगे और आप जो है वो ज़्यादा सोशल इंसान होंगे, एक अलग पर्सनैलिटी ट्रेट है। और लास्ट है न्यूरोटिक पर्सनैलिटी ट्रेट, कितना ज़्यादा आप चिंता करते हैं, कितना ज़्यादा आपको छोटी चीज़ें विचलित करती हैं, कितना ज़्यादा आप टेंशन में रहते हैं, न्यूरोटिसिज्म। और उसके उलट कितना ज़्यादा आप स्टेबल हैं, कितना ज़्यादा छोटी छोटी समस्याएं आपको विचलित नहीं करती हैं, कितना ज़्यादा आप हमेशा शांत रहते हैं, ये एक अलग पर्सनैलिटी है। तो इसे बोलते हैं बिग फाइव। ये पर्सनैलिटी के पांच बड़े प्रकार हैं और इनमें से कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान इस प्रकार का है और उस प्रकार का नहीं है, वो 10% इस प्रकार का और 90% उस प्रकार का हो सकता है, या वो 50% इस तरह का और 50% उस तरह का हो सकता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा समराइज करने के लिए, ये है पांच पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और हम सब की पर्सनैलिटी इनका एक सम्मिश्रण होती है, एक मिक्सचर होती है। कुछ पर्सन हम इस तरीके के होते हैं, कुछ पर्सन हम उस तरीके के होते हैं। पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, इन्वेंटिवनेस और क्रिएटिवनेस, जो खुला विचार है एक वो चीज़ है, और दूसरा एक रूल्स के हिसाब से चलने वाले, कुछ लोग बिल्कुल रूल्स के हिसाब चलते हैं। दूसरा ट्रेट है कॉन्शियसनेस, कि आप कितने ज़्यादा कैलकुलेटिव है, कितने आपने चीज़ों को मेटिकुलस डिटेल्स के साथ ऑब्जर्व और स्टडी कर रखा है, या फिर आप कितने स्पॉन्टेनियस है और आप कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम हैंडल करेंगे। तीसरा है एक्सट्रोवर्जन, कितना आप ओपन हैं, लोगों से मिल करके एनर्जाइज होते हैं। चौथा है एग्रीबिलनेस, कितना आप एग्रीएबल हैं, लोगों की बातों के साथ आप एग्री होते हैं इसलिए लोग आपको पसंद करते हैं। और पांचवा है न्यूरोटिक, कितना आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आती है, कितना ज़्यादा आप चिंता करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं, और या फिर आप बहुत स्टेबल हैं उसका उलट। और इस आधार पर एडल्ट पर्सनैलिटी को पांच रूप में डिवाइड किया जाता है।